हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पेज लेआउट के कुछ फंक्शंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं पेज में नंबरिंग कैसे देते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? इंसर्ट टैब में पेज नंबर, टॉप में लेफ्ट में चाहिए हमें काउंटिंग, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर कैसे आ रही है, राइट में ए बी सी डी में आ रही है। देखिए अल्फ़ाबेट ए आ रहा है, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट हमारा सी डी। ठीक है, इसमें हमें पेज की सेट नंबर्स नहीं डालने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर से काउंटिंग हम 1, 2, 3 के फॉर्मेट में लेते हैं, ओके, इसके बाद हम इस फंक्शंस को वापस चलाते हैं टॉप में, राइट में। अब देखिए काउंटिंग किस फॉर्म में आ रही है, 1, 2, 3 की फॉर्म में आएगी। ये तो गया हमारा पेज नंबर्स का फंक्शंस। नेक्स्ट है कि हमें यहाँ तक का मैटर जो है हमारा फर्स्ट पेज में चाहिए 10th तक का, आगे का हमें नेक्स्ट पेज में चाहिए। बस हम इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर देते हैं तो हमारा वो मैटर फर्स्ट पेज में, नेक्स्ट मैटर हमारा सेकंड पेज में। नेक्स्ट है कि हमें प्रिंट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके लिए हम लेआउट में जाके ओरिएंटेशन टैब में लैंडस्केप कर देंगे। अब देखिए जो प्रीव्यू आ रहा है ये लैंडस्केप फॉर्म में आ रहा है। अगर हम यहाँ से पोर्ट्रेट करते हैं ओरिएंटेशन से, अब प्रीव्यू देखिए ये पोर्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है। टू टाइप्स होते हैं पेज ओरिएंटेशन के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट है पेज मार्जन्स। पेज मार्जन्स में क्या है कि हम जैसे इसका प्रीव्यू अगर देख रहे हैं, ये देखिए टॉप से कितना गैप आ रहा है ऊपर से नीचे से। अगर हम यहाँ पर पेज सेटअप फंक्शंस में मार्जन्स को मैंने 5 किया है, टॉप से भी बॉटम से भी 5 सेंटीमीटर्स। अब प्रीव्यू चेक करते हैं हम इसका, देखिए टॉप और बॉटम दोनों से 5 सेंटीमीटर्स हो गया। इस तरीके से हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं। वापस 2 कर दिया मैंने इसे। नेक्स्ट फंक्शन है हम पेपर का साइज। हम प्रिंटर पे कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं? अगर हम प्रिंटर पे लेटर पेज यूज कर रहे हैं तब हम यहाँ से लेटर फॉर्मेट लेते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंटर में साइज फंक्शंस A3 लिया है पेज, अगर हम प्रिंटर में A3 पेज यूज कर रहे हैं तो हम A3 का लेते हैं। हम ज़्यादातर A4 का यूज करते हैं प्रिंटर पर, तो मैंने यहाँ पर A4 सेट किया है इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा वाटरमार्क। हम मार्केट से कोई भी पेज लेके आते हैं तो उसमें बैकग्राउंड में क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ रहता है या कुछ पिक्चर्स होती है, तो इसके लिए हम वाटरमार्क फंक्शन का यूज करते हैं। ये हम डिजाइन्स में यह वाटरमार्क दिया हुआ है, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है, ये देखिए लिख के आ गया है बैकग्राउंड में। अगर हम अपना कुछ चाहते हैं तब हम कस्टम वाटरमार्क का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, तो मैंने यहाँ पर यही लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। और यहाँ से हम कलर्स ले सकते हैं, किस कलर्स में हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट चाहिए हमें, देखिए मैंने अप्लाई किया है, अब देखिए डार्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट कर दूंगी तो लाइट आएगा। ये एवरी पेज में जितने भी हमारे पेज हैं सभी पेज के बैकग्राउंड में ये देखिए शो हो रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेज का बॉर्डर। पेज में हम बॉर्डर कैसे देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होम टैब में इस फंक्शंस पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर के, बॉर्डर एंड शेडिंग्स, यहाँ से हम पेज बॉर्डर लेंगे। यहाँ से हमें कितनी विड्थ चाहिए, कलर हमें कैसा चाहिए बॉर्डर का, और हमें बॉर्डर का स्टाइल्स कैसा चाहिए। ठीक है, तीनों चीज़ मैंने सेट कर दी है, ओके। ये देखिए पेज का बॉर्डर चेंज हो चुका है इसमें। इसके बाद हम वापस बॉर्डर एंड शेडिंग्स अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पेज बॉर्डर में 8 से यहाँ से हम कोई भी डिजाइन्स भी ले सकते हैं। जो डिजाइन्स हमने लिया है वही डिजाइन्स हमारे बॉर्डर्स में आ जाएगा। जैसा हम बॉर्डर देना चाहते हैं पेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं इस फंक्शन से। अगर हम हटाना भी चाहते हैं इसे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे हम, यहाँ पर इसको नन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि हम इसमें कलर्स कैसे देते हैं। इसके लिए हम डिज़ाइन का यूज करते हैं, पेज कलर्स, यहाँ से हम कलर्स दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ से,
और कलर में इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। यहाँ से हम कलर्स देंगे, जो भी हम दो कलर्स ले रहे हैं उसी कलर के हिसाब से हमने यहाँ से इफेक्ट दिया है। ये देखिए वैसे इफेक्ट्स भी आ जाएगा। और हटाना हो तो हम यहाँ से वाइट कलर कर देते हैं या नो कलर कर देते हैं। पेज बॉर्डर हम यहाँ से भी दे सकते हैं, पेज बॉर्डर का फंक्शन, और होम टैब से भी दे सकते हैं। दोनों जगह से ये फंक्शंस आ जाता है पेज के बॉर्डर्स का। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कि हम इसकी प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो प्रिंटिंग करने के लिए पहले हम पूरी सेटिंग्स कर लेते हैं कि हमें प्रिंट कैसे करना होता है, कि हमें पेज का ऊपर से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, सारी सेटिंग्स हमने कर ली है। बस अब हमें क्या करना होता है, फाइल में जाके प्रिंट फंक्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कमांड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज, ये जो भी हमारा मैसेज है, ये एक प्रिंटर में एक वाइट शीट पे प्रिंट होके आ जाएगा। इस तरीके से हमने आज फंक्शंस करे हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन हमने क्या किया था, पेज लेआउट में नंबर्स देने के लिए। सेकंड हमने एक पेज ब्रेक किया था, फिर पेज का मार्जिन सेट किया था, पेज को ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट फॉर्म में चेंज किया है, इसका पेपर का साइज दिया है, वाटरमार्क भी दिया है, पेज बॉर्डर, पेज कलर्स। एक फंक्शन और कर रहे हैं हम कॉलम्स का। कॉलम्स के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैटर लिखा है, राइट। इस मैटर को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, राइट। अब हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, हम लेआउट में कॉलम्स पे क्लिक करें, टू कॉलम्स, वो मैसेज हमारा टू कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। अगर हम थ्री कॉलम्स करना चाहते हैं, थ्री कॉलम्स में, अब देखिए इन कॉलम्स के बीच में थोड़ा गैप आ रहा है। अगर हम इसको लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट से कम है, राइट से ज़्यादा है, उल्टा करते हैं, राइट से कम, लेफ्ट से। इसी तरीके से हमें वन कॉलम करना हो तो वन कॉलम में भी वापस हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि कॉलम में जब कोई भी डाटा होता है तो हमें उसे समझना इजीली हो जाता है, इसीलिए हम इसको कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, इस तरीके से हमने एक कॉलम का फंक्शंस किया है। अगर हमें अपने टेक्स्ट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि हम उसका प्रिंट प्रीव्यू पे प्रिंटर पे कैसे लगेगा, तो हम यहाँ से प्रीव्यू फंक्शंस पे क्लिक कर देते हैं तो ये प्रीव्यू शो कर देता है यहाँ पर कि हमारा प्रीव्यू इस तरीके से प्रिंटर पर आएगा। इस तरीके से आपने देखा सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शंस किया था आज पेज लेआउट में। हमने इंसर्ट टैब की मदद से नंबर्स दिए थे। सेकंड फंक्शंस हमने क्या था, इसमें इंसर्ट टैब में ही पेज ब्रेक का फंक्शंस किया था। नेक्स्ट हमने पेज का मार्जिन किया था लेआउट टैब से, ओरिएंटेशन किया था पोर्ट्रेट लैंडस्केप, साइज किया है हमने, कॉलम्स किया है। इसके बाद हमने डिजाइन टैब में वाटरमार्क का फंक्शन किया था, पेज कलर्स का और पेज बॉर्डर्स का। नेक्स्ट हमने क्या था सबसे लास्ट में, प्रिंट प्रीव्यू का फंक्शंस। एक फंक्शन शो कर रहे हैं हम इसमें हेडर एंड फुटर का। ये देखिए हेडर, हेडर का मीन्स होता है जो भी हम यहाँ ने यहाँ पर लिख दिया हेडर में। जैसे मैंने लिखा है वर्ड, ठीक है, क्लोज। थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं पहले। ये देखिए ये वर्ड जो मैंने लिखा ये हेडर में आ रहा है, ये एवरी पेज के टॉप में हेडर में आएगा। देखिए यहाँ पर भी शो कर रहा है, ये जितने भी हमारे पेज है सभी पेज में हेडर्स में टॉप में है। जैसे आप अपनी बुक्स में देखते हो, बुक्स का नाम एवरी पेज के टॉप में होता है और बॉटम में भी होता है कुछ लिखा हुआ। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इंसर्ट में फुटर में भी लिख दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। अब देखिए जो मैंने वर्ड लिखा था वो एवरी पेज के टॉप में आएगा लिखा हुआ, और जो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा था वो एवरी पेज के बॉटम में शो कर रहा है। हेडर हम एवरी पेज के टॉप में देने के लिए करते हैं और फुटर का यूज हम एवरी पेज के बॉटम में देने के लिए करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। इसके लिए हम हेडर एंड फुटर फंक्शंस का यूज करते हैं। इस तरीके से ही फंक्शंस को हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर सकते हैं, इससे हमारी जो बुक्स की टाइपिंग है वो इजी हो जाती है इन फंक्शंस की मदद से। कोई भी टाइपिंग वर्क करना हो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसकी सेटिंग्स के लिए हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं, बैकग्राउंड देने के लिए, कलर्स देने के लिए।